मेरे बच्चे, क्यों सारी रात जागते रहते हो? क्यों इतनी चिंता करते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पिछले जन्म में तुमने कोई अच्छा काम किया होगा, तभी तो तुमने मुझे जाना है। मैं यहाँ आपका बोझ उठाने के लिए हूँ। आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती थी अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता। मैं तेरे दर्द और तकलीफों से वाकिफ हूँ मेरे बच्चे, और मैंने इन्हें कम भी कर दिया है। बस थोड़ा सा तो दर्द है, वो भी सहन कर लो। क्यों नहीं हिम्मत रखते? क्यों रोज मेरे सामने एक ही दुआ बार बार करते हो? मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जब तुमने मुझसे पहली बार प्रार्थना की थी, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तरीके बहुत अलग हैं। मैं केवल आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देना चाहता, बल्कि आपके दिल में मेरे लिए विश्वास भी बढ़ाना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाएगा। विश्वास और धैर्य रखें। मेरे पास दो चीज़ें हैं, विश्वास और धैर्य। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोनों दे दूँगा, और ये वादा करता हूँ कि मेरी शर्त और सबूरी से आपको अपार लाभ होगा। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। जब भक्त मेरी शरण में आता है, शुरू में मेरे भक्त को महीनों या वर्षों तक बहुत कष्ट और दर्द मिलता है, लेकिन ये सिर्फ मैं उनके कर्मों को साफ कर रहा हूँ ताकि मेरा भक्त जीवन भर खुशी से रहे। समस्याएं आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी किसी न किसी रूप में, लेकिन आप प्रार्थना और विश्वास के साथ समस्याओं की दिशा बदल सकते हैं। अपने गुरु से संबंध बना लो, क्योंकि वो सदा कायम रहेगा। आपका गुरु आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। और मेरे बच्चे, अतीत को याद करके तुम सोते नहीं हो। जहाँ से तुम आए हो, उस अंधेरे में वापस जाने का कोई मतलब नहीं। अब तो ये भूतकाल हो गया, और अतीत सिर्फ दर्द देता है। आपका आगे अच्छा भविष्य है। मेरे शब्दों में विश्वास रखें, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी भी अंधेरे में घेरने नहीं दूंगा। मेरा प्रकाश हमेशा आपके साथ रहेगा। सो जा मेरे बच्चे, मैं जाग रहा हूँ। आपके उज्जवल भविष्य के लिए योजना बना रहा हूँ। अब तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। और तुम कई बार कहते हो ना कि बाबा सपने में दर्शन दो, मैं जल्द ही तुम्हारे सपने में आऊँगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे।